नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो जॉब है वो IBPS से आया है। तो IBPS आप सभी जानते हैं, इंडियन बैंकिंग सॉरी इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसमें आपको PO एंड MT के जो पोस्ट है इसके लिए 3049 के टोटल पोस्ट दिया गया है। तो इस जॉब के लिए मैं पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा, जहाँ पे आपको जॉब का अप्लाई का लिंक और नोटिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी वगैरह सब कुछ डिस्कशन करूंगा, और शॉर्ट टाइम के माध्यम से मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर मैं सब कुछ डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को फटाफट देख लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और हाँ, मेरा इस तरीके से वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो मेरा 15 साल के एक्सपीरियंस, कंप्यूटर स्किल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो सीख कर आप किसी भी जॉब को इजिली मतलब अचीव कर सकते हैं। और जॉब पाने के बाद आप जहाँ पे वर्क प्लेस में काम करेंगे वहाँ पे आपको बहुत सारा हेल्प करेगा मेरा कंप्यूटर जो कोर्स है, मतलब जो वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वीडियो बना के एक एक करके सीरीज वाइज दे रहा हूँ। जाकर जरूर इस प्लेलिस्ट को देखिए, उसके साथ साथ कंप्यूटर का जो एक्सेल का जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये सारी चीज़ आपने अगर नॉलेज गैदरिंग कर लिए तो आपको किसी भी जगह पे कंप्यूटर स्किल के काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आपको ऑफिशियल पर्पस में, ऐसे नहीं कि आप प्रोग्रामर प्रोग्रामर के हिसाब से काम करेंगे। तो चलो देख लेते हैं जॉब के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, तो इंस्टीट्यूशन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसमें आपको जॉब मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में। 3049 वैकेंसीज है। PO और MT के लिए पोस्ट है और फ्रेशर जरूर अप्लाई करिए। एज लिमिट जो है वो 20 से 30 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। मिनिमम 20, मैक्सिमम 30 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। सिलेक्शन के लिए आपको रिटिन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। मतलब दो तरीके से रिटिन एग्जाम होगा, पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा। तो पहले प्रिलिमिनरी में आपको पास आउट होना चाहिए, तो उसके बाद आपको मेन एग्जाम देना पड़ेगा। तो सैलरी पैकेज देखिए, 40,000 से 1,50,000 तक सैलरी मिलेगा। जनरल के लिए 850 रुपीज़, SC/ST के लिए 175 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। और ये जो पेमेंट है आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। तो एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट कर चुके हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो 2023 के अंदर अंदर अगस्त मंथ के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई के लिंक मैं नीचे आपको दे चुका हूँ, जिस लिंक में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में सबसे पहले क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन का लंबा लिस्ट है, इस लंबा लिस्ट को आप ध्यान से पढ़िए, इस सारे चीज़ को आप देखिए, कौन सा बैंकिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इसका डेट कौन सा है। आप देखेंगे तो 21 तारीख अगस्त मंथ में तब का इसका लास्ट डेट रहेगा। तो सब कुछ यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, डिटेल्स मेंशन किया गया है। सब कुछ देखने के बाद आप करेंगे अप्लाई। तो अप्लाई बटन में जब क्लिक करेंगे आपके साथ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको सबसे पहले क्लिक हैड टू न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 5 स्टेप 6 स्टेप आपको दिखेगा। तो पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर, उसके साथ आपको डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट, ये सब कुछ आपको भरना होगा, उसके बाद सबमिट करना होगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन इस तरीके से पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।